Morning students, we are back again in our video classes. So let's start. तो आज हम क्या पढ़ेंगे? हम अपना chapter 2 पढ़ेंगे, that is Roman numerals. Okay? So Roman numerals के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके होंगे कि क्या है वो actual में, ठीक है? तो चलिए उसको फिर से एक बार और अच्छे से पढ़ लेते हैं और थोड़े ज्यादा मतलब बड़े नंबर्स का हम लोग रोमन न्यूमरल पढ़ेंगे इस क्लास में. ओके, तो देखिए क्या है. इन क्लास 4 वी हैव लर्नड रीडिंग एंड राइटिंग रोमन न्यूमरल्स अप टू 100. इन दिस सेक्शन वी शैल एक्सटेंड लर्निंग ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग टू दीज न्यूमरल्स अप टू 500. तो क्या है कि 4 क्लास में आपने कहां तक पढ़ा होगा? सिर्फ 100 तक पढ़ा होगा, ठीक है? बट इस 5th क्लास में हम कहां तक पढ़ेंगे? अप टू 500, ठीक है? देखिए यहां पे एक चार्ट बना हुआ है, दिख रहा होगा आपको. ये हमारा क्या है, रोमन नंबर्स का चार्ट है, ठीक है? ये दिस सिंबल विद देयर करेस्पोंडिंग हिंदू अरबिक न्यूमरल्स आर गिवन बिलो. देखिए यहां पे क्या है कि हिंदू अरबिक, यहाँ पे ऊपर रोमन न्यूमरल्स है और नीचे हिंदू अरबिक न्यूमरल्स है, ठीक है? दैट मींस जो यहाँ पे हिंदू अरबिक न्यूमरल है उस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रोमन नंबर्स में कौन से अल्फाबेट्स यूज करते हैं वहाँ पे दिया गया है, ठीक है? तो देखिए हम 1 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से. ओके, 5 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी से. 10 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से. एल को. 50 को किससे करते हैं? एल से. 100 को सी से. 500 को डी से. एंड 1000 को एम से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, तो आपको रोमन नंबर्स पढ़ने के लिए ये वाला चार्ट याद करने की जरूरत है. इसी चार्ट के अकॉर्डिंग हम अपना रोमन नंबर्स को लिख सकते हैं एंड पढ़ सकते हैं, ठीक है? अब देखिए क्या है, रूल्स फॉर फॉर्मिंग रोमन न्यूमरल्स. कुछ रूल्स हैं जो कि हम यूज करते हैं अपना रोमन नंबर्स को लिखने के लिए, ठीक है? सो व्हाट आर द रूल्स, लेट्स स्टडी. रूल नंबर 1, रिपीटेशन ऑफ रोमन न्यूमरल्स मींस एडिशन. तो क्या है कि अगर दो एक ही रोमन नंबर्स अगर दो बार रिपीट हो रहा है तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है एडिशन, ठीक है? यहाँ पे देखिए, जैसे कि आई 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 हम ये लिख दिए 3 आई, दैट मीन्स 1 1 1. तो इसका क्या हो जाएगा? 1 + 1 + 1 = 3, ठीक है? ये तो अगर हम 3 बार आई लिखते हैं तो इसका मतलब की होगा एडिशन. ओके, देखिए तो कॉशंस इसके क्या है, ओनली आई एक्स सी एंड एम कैन बी रिपीटेड, ठीक है? तो हम और इन रोमन नंबर्स में भी हम बहुत कुछ ही ऐसे रोमन नंबर्स हैं जिनको हम रिपीट कर सकते हैं. दे आर आई एक्स सी एंड एम, सिर्फ हम इन्हीं को रिपीट कर सकते हैं. एंड वी एल डी कैनॉट बी रिपीटेड, जो वी एल, ठीक है, ये V, L और D, ये क्या है, ये रिपीट नहीं हो सकते हैं. ओके, एंड थर्ड इज नो रोमन कैन बी रिप्रेजेंटेड मोर देन रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स. और कोई भी रोमन नंबर्स को, दैट मीन्स रोमन न्यूमरल्स को, हम 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि मैंने बताया 3 के लिए हम ट्रिपल आई लिख देंगे, लेकिन हम क्या 4 के लिए 1 2 3 4 ऐसे आई लिखेंगे? नो, बिकॉज इट्स रॉन्ग. क्योंकि हम एक ही रोमन नंबर्स को 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो 4 के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए भी आगे हम लोग बताएंगे कि क्या करना है. अब देखिए, जैसे कि ये आई आई है, तो आई आई का क्या हो गया, 1 और 1,
ठीक है, और डबल जब हम रिपीट करते हैं तो उसका क्या होता है एडिशन, तो 1+1 यहाँ पे 2, ओके यहाँ पे देखिए 3 का तो मैंने बताया था, अब ये देखिए एक्स एक्स दैट मीन्स 10+10 20 आ गया, तो ऐसे ही देखिए। और क्या है सी का भी, अगर 3 सी है ठीक है, तो सी एक सी कितने को रिप्रेजेंट करता है 100, तो 3 सी है दैट मीन्स 100+100+100 तो कितना हो गया 300, ओके। चलिए नाउ वी विल स्टडी रूल नंबर 2, अ स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द राइट ऑफ द लार्जर नंबर इज ऑलवेज एडेड टू द लार्जर न्यूमरल्स। क्या है इसमें कि अगर एक स्मॉलर नंबर दैट मीन्स स्मॉलर न्यूमरल अगर लार्जर न्यूमरल के राइट साइड लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है एडिशन, ओके। अगर एक छोटा न्यूमरल बड़े न्यूमरल के राइट साइड दैट मीन्स आगे, ठीक है, अगर आगे लिखा जाता है तो उसका मतलब होता है एडिशन। क्लियर है, ठीक है। देखिए अब एग्जांपल देख लेते हैं वी आई, तो वी आई का लिखने का मतलब देखिए वी क्या है एक लार्जर न्यूमरल है और उसके राइट साइड एक छोटा न्यूमरल लिखा रहा है दैट इज आई, आई छोटा है वी से और इसके राइट साइड लिखा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा वहां पे प्लस होगा, तो वी कितने को रिप्रेजेंट करता है वी 5 को रिप्रेजेंट करता है एंड आई 1 को, तो क्या हो जाएगा 5+1=6, तो हम 6 का रोमन नंबर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल से इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं रूल नंबर 3 पे, अ स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द लेफ्ट ऑफ द लार्जर न्यूमरल इज ऑलवेज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमरल। और क्या है कि अगर एक स्मॉलर न्यूमरल है और वो लार्जर न्यूमरल के लेफ्ट साइड मतलब उसके पीछे, ठीक है, अगर उसके लेफ्ट साइड छोटा न्यूमरल लिख रहा है तो उसका मतलब क्या होता है सब्सट्रैक्शन, ठीक है, हम उस छोटे न्यूमरल को लार्जर न्यूमरल से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ओके। अगर जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे x एंड यहाँ पे है ये c, ठीक है, c कितने को रिप्रेजेंट करता है 100 को एंड x किसको रिप्रेजेंट करता है 10 को, तो अगर ये क्या है बड़ा न्यूमरल है, तो अगर ये c के लेफ्ट साइड x लिख रहा है तो इसका मतलब क्या होगा माइनस, तो इसका क्या होगा 100-10 तो क्या हो जाएगा 90, तो हम 90 का रोमन नंबर्स x और c लिखते हैं, ठीक है, समझ में आया आपको कि अगर लार्जर न्यूमरल के लेफ्ट साइड अगर छोटा न्यूमरल लिख रहा है तो इसका मतलब क्या होगा सब्सट्रैक्शन, ठीक है। बट इसके भी कुछ कॉशंस है, हम देख लेते हैं, VLD आर नेवर सब्सट्रैक्टेड, ठीक है, जो V है L एंड D ये कभी भी सब्सट्रैक्ट नहीं होते हैं, दैट मीन्स ये कभी लार्जर न्यूमरल के पीछे दैट मीन्स लेफ्ट साइड ये कभी नहीं लिखते बिकॉज ये सब्सट्रैक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। एंड I कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली, और जो I है वो किससे सब्सट्रैक्ट हो सकता है ओनली V से एंड X से, ठीक है। अब जैसे ये L है तो हम L के पीछे I नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, तो हम ऐसे I कभी भी V और X के अलावा और किसी से सब्सट्रैक्ट नहीं होता है, ओके। अब यहाँ पे देख लीजिए कुछ एग्जांपल्स, ये है I एंड V, ठीक है, ये क्या है V लार्जर न्यूमरल है और I छोटा न्यूमरल है, ठीक है, तो V का मतलब क्या होता है 5 और इसके पीछे I है दैट मीन्स लेफ्ट साइड I है तो माइनस और I 1 तो 5-1=4 तो हम 4 का न्यूमरल ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और IX मतलब 10-1 तो ये 9 हो जाएगा तो हम 9 का न्यूमरल ऐसे लिखते हैं, ठीक है। एंड X कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C ओनली,
और जो x है दैट मीन्स 10 है वो किससे सब्सट्रैक्ट हो सकता है, सिर्फ l से एंड c से, ये किसी और से सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकता है। क्लियर? जो हमारा x है वो सिर्फ l और c से सब्सट्रैक्ट होता है और किसी से सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पे है xl, दैट मीन्स 50 माइनस 10, बिकॉज l क्या है 50 को रिप्रेजेंट करता है, तो 50 माइनस 10 40, तो हम 40 का रोमन न्यूमरल ऐसे लिखते हैं। ओके अब देखिए 4, c कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम d एंड m ओनली, और c क्या है सिर्फ और सिर्फ किससे सब्सट्रैक्ट हो सकता है, फ्रॉम d एंड m से। क्लियर? c जो है हमारा वो सिर्फ d और m से सब्सट्रैक्ट हो सकता है और किसी भी नंबर से, किसी भी न्यूमरल से वो सब्सट्रैक्ट नहीं होगा। क्लियर? ओके नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। रूल नंबर 4 क्या है हमारा, व्हेन अ लार्जर न्यूमरल इज प्लेस्ड बिटवीन टू, सॉरी व्हेन अ स्मॉलर न्यूमरल इज प्लेस्ड बिटवीन टू लार्जर न्यूमरल then it is always subtracted from the larger numeral immediately following it। तो क्या है इसमें कि अगर एक smaller numeral दो larger numeral के बीच आ जाता है तो हम उसको क्या consider करते हैं, उसको minus consider करते हैं, और किससे, जो larger numeral उसके तुरंत बाद है। ठीक है? तो अगर मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि अगर दो लार्जर न्यूमरल के बीच एक छोटा न्यूमरल आता है तो वो हमेशा सब्सट्रैक्ट कंसिडर किया जाता है, किससे, जो कि इमीडिएट उसको फॉलो कर रहा है, उस छोटे नंबर, छोटे न्यूमरल को जो इमीडिएट फॉलो, दैट मींस जो छोटे नंबर के तुरंत बाद जो लार्जर नंबर है हम लोग उससे माइनस कंसिडर करते हैं। जैसे कि अगर एक्स आई एक्स हम ये लिखते हैं, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब क्या है, x भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ठीक है, और ये i क्या है, छोटा है न्यूमरल। तो इस i का मतलब क्या होगा, ये हम क्या करेंगे, आई एक्स पढ़ेंगे इसको, ठीक है। आई एक्स क्यों पढ़ेंगे इसको, बिकॉज ये दो बड़े न्यूमरल के बीच एक छोटा न्यूमरल है, तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, हम इसको माइनस कंसिडर करेंगे, किस नंबर से, इस नंबर से, ठीक है। तो ये x का क्या हो गया 10, ठीक है, ये तो अलग हो गया। एंड आई एक्स, आई एक्स का क्या होता है बताया था मैंने, आई एक्स मतलब ये, ठीक है, 10 माइनस 1, वाई, बिकॉज एक्स का क्या होता है 10 और इसके लेफ्ट साइड है आई, तो उसका माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 9, ठीक है। तो 10 प्लस 9 19, तो हम 19 का न्यूमरल ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दिया गया है। ओके तो समझ में आया आपको। ओके सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। राइटिंग न्यूमरल फॉर हिंदू अरबिक न्यूमरल अप टू 500। देखिए तो यहाँ पे है कि कुछ आपको यहाँ पे रोमन नंबर्स का चार्ट बना के दिया गया है कि हमको इसको कैसे लिखना है। ये अप टू 500 दिया गया है, यहाँ पे 1 to 9 एंड देन 10, 20, 30, तो आप इसको देख लीजिएगा एंड इसी के अकॉर्डिंग हम रोमन नंबर्स को लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो आपके लिए आज का होमवर्क क्या है कि आप 1 to 500 रोमन नंबर्स अपनी कॉपी में लिखेंगे। ओके आपको पता चल गया है कि हम लोग रोमन नंबर्स कैसे लिखते हैं, चार्ट भी आपके पास है। सबसे पहले चार्ट बनाइए एंड देन उसके अकॉर्डिंग, उसके बेस पे एंड जो हमारे रूल्स दिए गए हैं, ठीक है, ये चार रूल्स को फॉलो करके ही हम रोमन न्यूमरल्स को बना सकते हैं, अपना कोई भी रोमन न्यूमरल्स, ठीक है। तो आप उसको फॉलो कीजिए एंड 1 to 500 रोमन नंबर्स अपनी कॉपी में लिखिए। दिस इज अ होमवर्क फॉर यू। ओके तो आज के लिए इतना ही। जो हमारा एक्सरसाइज है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ रोमन नंबर्स को सॉल्व करके दे दिया गया है आपकी हेल्प के लिए, ठीक है। तो आप इसको, इसमें से भी कुछ देख सकते हैं। ओके तो आप इसमें से
देखिए एंड समझिए एंड अपनी कॉपी में उसको करिएगा, ठीक है। जो एक्सरसाइज है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्लियर? ओके, टिल देन टेक केयर, बाय।